हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेलिब्रिटी 7 स्टार में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्शन कुमार की लाइफस्टाइल बायोग्राफी के बारे में, जैसे गर्लफ्रेंड, हाउस वाइफ, फैमिली, एज, एजुकेशन, इनकम कैलकुलेशन एंड नेटवर्थ। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये एक महीने का कितना पैसा कमाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सेलिब्रिटी 7 स्टार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शन कुमार एक ड्रामा फिल्म आर्टिस्ट है। इनकी हाल ही रिलीज 2022 में दर्शन ने मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खैर, दर्शन कुमार और कई अन्य लोगों के साथ विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई द कश्मीर फाइल नामक नाटक इतिहास और थ्रिलर फिल्म में कृष्णा पंडित के रूप में अपने शानदार एक्टिंग के कारण ग्लोबल पहचान हासिल की। फिल्म को इसकी कहानी के लिए ग्लोबल सराहना मिली और एक युवा लड़के के रूप में दर्शन का शो भी शानदार है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके रियल नेम और निकनेम के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि दर्शन कुमार का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, दर्शन कुमार का जन्म 1 सितंबर 1986 को दक्षिण दिल्ली भारत में हुआ था, और इनका रियल नेम दर्शन कुमार है और निकनेम दर्शन है। दर्शन कुमार प्रोफेशन से एक एक्टर है। दर्शन कुमार मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। अगर बात करें दर्शन कुमार की एज की तो 2022 के हिसाब से ये पूरे 35 ईयर के हो चुके हैं। अब देखते हैं दर्शन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई और अपनी करियर की शुरुआत कहां से किया। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, एक बच्चे के रूप में उन्होंने ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई के लिए लोकल हाई स्कूल में दाखिला लिया और कॉलेज चले गए। उसी समय उन्होंने एक्टिंग के अपने जुनून को उजागर किया। 24 साल की उम्र में मुंबई चले गए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दर्शन ने एक्टिंग के अपने जुनून को 24 साल की उम्र में एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई में कदम रखा। उन्होंने शुरुआती एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए शहर थिएटर में प्रवेश लिया था, और 5 साल से अधिक समय तक उन्होंने एक्टिंग के रूपों में खुद को ट्रेन किया। साथ ही उन्होंने डाइवर्स मंच नाटकों में अपने प्रभावशाली एक्टिंग के कारण एक एक्टर के रूप में फैम के बीच शोहरत हासिल की। और अगर इनकी फिल्मी करियर की बात करें तो दर्शन कुमार एक भारतीय फिल्म कलाकार है। वो मुख्य हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत फिल्म मेरी कॉम से की थी। ये फिल्म एक बायोपिक थी। इस फिल्म में उन्होंने मेरी कॉम के पति के किरदार को निभाया। इस फिल्म में उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें फैंस और क्रिटिक्स के काफी पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले। इसके बाद बडिंग प्रोड्यूसर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की फिल्म मैंने स्टेन में नजर आए। दर्शन कुमार बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी अपनी एक्टिंग का धमाल मचा चुके हैं। वो छोटे पर्दे के लाइफ ओके पर देवो के देव महादेव में भी नजर आ चुके हैं, और इनकी फेमस मूवीज तूफान और तेरे नाम है। 2021 में दर्शन ने फरहान अख्तर, मुनार ठाकुर और परेश रावल के साथ अमेजोन प्राइम की ड्रामा फिल्म तूफान एक बॉक्सर के रूप में काम किया था। उससे पहले दर्शन ने तेरे नाम में भी काम किया। दर्शन ने सतीश कौशिक द्वारा बनाई गई 2003 की ब्लॉकबस्टर तेरे नाम नामक रोमांटिक एक एक्शन ड्रामा फिल्म में कंक शर्मा का रोल निभाया, और इसके अलावा फैंस उनकी हाल ही रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स मूवी को इतना प्यार दे रहे हैं कि वो आज गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च कीवर्ड्स में शुमार हो गए। साथ ही साथ द कश्मीर फाइल का चर्चा सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, और इसी कारण द कश्मीर फाइल को 4000 स्क्रीन पर लगाया गया है, और इसी वजह से दर्शन कुमार के फैन फॉलोइंग में भी काफी ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इनकी फैमिली और गर्लफ्रेंड के बारे में। इस समय दर्शन के माता पिता और परिवार के सदस्यों के बारे में हमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। हालांकि हम उसके परिवार के सदस्यों के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जैसे हमें कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिले तो दोस्तों हम आप लोगों को अपडेट जरूर करेंगे। वैसे इनकी शादी हो चुकी है और इनके बच्चे भी है। दर्शन ने अपने लंबे समय से प्रेमिका से शादी की है, जिसका नाम इस समय अननोन इन द पब्लिक डोमेन है। अगर वो अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में कोई जानकारी शेयर करते हैं तो जल्द ही हम आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। अब जान लेते हैं दर्शन कुमार की कार कलेक्शन के बारे में कि इनके पास कौन कौन से एक्सपेंसिव कार्स है। दर्शन कुमार ने हाल ही एक नई कार खरीदी, और दर्शन कुमार कार और बाइक के बड़े ही शौकीन हैं। इन्हें बाइक राइड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। दर्शन कुमार के पास जो सबसे पहली कार है वो ऑडी है, जिसकी प्राइस 79.99 लाख रुपए तक है, और इनकी जो दूसरी कार है वो रेंज रोवर है, जो इन्होंने जल्द ही ये कार शोरूम से न्यू निकाली है। इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये 65.60 लाख रुपए तक। और इसके अलावा दर्शन कुमार के पास और भी कार्स एंड बाइक्स पर हमें इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। चलो ठीक है, अब जान लेते हैं दर्शन कुमार की नेटवर्थ एंड मंथली इनकम के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे दर्शन एक फिल्म का कितना रुपए चार्ज करते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इनकी नेटवर्थ 2022 के हिसाब से 7.7 मिलियन $ हो चुकी है। अगर इसे हम इंडियन रुपीज में करें तो 120 करोड़ रुपए ये होते हैं, और इस हिसाब से दर्शन कुमार की मंथली इनकम एंड सैलरी 20 से 25 करोड़ तक होती है, और दर्शन एक फिल्म करने का 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज
चार्ज करते हैं। तो ये थी दर्शन कुमार की रियल लाइफ स्टाइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आप भी दर्शन कुमार के फैंस हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।